आज हम सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। ये हमारा एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये एल इज़ अ लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर, आर इज अ रेसिस्टेंस एंड दिस रो इज अ रेसिस्टिविटी। मिस्टेक फॉर स्पेलिंग्स, प्लीज इग्नोर दैट, ठीक है। नाउ रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। नाउ द आर इज अ रेजिस्टेंस, वी नो द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। फ्रॉम हेयर वी फाइंड आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। नाउ वी, व्हाट इज वी? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई। नाउ क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो आर बिकम डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू आर। सो आर बिकम एफ इंटू आर अपॉन आई स्क्वायर टी। इट इज अ रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्म अगर हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालें, देन इट इज एफ इज एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। आर इज अ डिस्टेंस, इसका डायमेंशन होगा एल अपान आई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और टाइम का हो जाएगा टी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का क्या निकला, डायमेंशन निकला, जो कि कितना आ रहा है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ कि हमारा रो का डायमेंशन निकालना था, तो आर का निकल चुका हमारे पास, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। नाउ ए इज़ अ एरिया, सो इसका डायमेंशन कितना होगा एल स्क्वायर अपॉन एल इज अ लेंथ, सो इसका डायमेंशन होगा एल। तो देख रहे हैं आपकी एक एल से एक एल कट जाएगा, सो आवर फाइनल रिजल्ट इज एम एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। तो ये हमारा हुआ डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एम एल क्यूब कहाँ पे है, टी की पावर माइनस, तो रीजन करते हैं, यहाँ पे ए पहले लिखा है टी बाद लिखा है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग रीजन करके। एम एल क्यूब ए की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री। अभी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, एम एल क्यूब ए की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री, तो और ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। थैंक यू।